मेरे ख्याल से इसका एक स्टेटमेंट आना चाहिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। और ये जो होम मिनिस्टर जी है, मैं उनको विनती करूंगी कि उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट करना चाहिए, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र के सरकार का, उनके डिप्टी सीएम और सीएम का स्टेटमेंट देखा है, टीवी पे ही देखा है और पेपर में पढ़ा है, लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस देश को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि क्यों ये किया है और इसके पीछे क्या क्या है। राज्यातले जे शासकीय कर्मचारी आहेत त्यांचं नव्या पेन्शन स्कीमला विरोध होताना पाहिला होता। सोलापूरात आपल्याला काल काही शिक्षक बैठक निवेदन, जुन्या पेन्शन स्कीम त्याची मागणी आहे। कसं बघता आपण नव्या पेन्शन स्कीमकडे किंवा जुन्या पेन्शन स्कीमच्या मागणी? मला असं वाटतं सरकारने या सगळ्या गोष्टींना चर्चेला बसायला पाहिजे। हे मेळावेन आणि चिन्हवाणी ह्या सगळ्यामध्ये इतके व्यस्त आहेत की त्यांना सर्वसामान्य मायबाप जनतेसाठी वेळच नाही आहे या सरकारला। आणि म्हणजे तुम्ही 3 महिन्याचा आढावा काढा, या सरकारमधले मंत्री असेंब्लीमध्ये की आपलं मंत्रालयात किती वेळा असतात, लोकांना किती वेळा भेटतात, लोकांची कामं किती वेळा होत आहेत। कारण का हा खूप गांभीर्याने, सरकार कोणाचा हा विषय नाही आहे, पण गव्हर्नन्स इज कंटिन्युटी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।